टुडे वी टॉक अबाउट फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी अ मेजर ऑफ अ सिस्टम अबिलिटी टू डू वर्क, यानी सिस्टम की अबिलिटी या कैपेसिटी कि वो कितना काम कर सके फ्री एनर्जी के साथ। फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फ्री एनर्जी इक्वल टू क्यू हीट जो एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम माइनस टी एस। टी एस हमारे पास वो अनअवेलेबल एनर्जी है जो काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी वो एनर्जी जो काम के लिए इस्तेमाल हो रही है उसमें से अगर हम क्यू हीट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्री एनर्जी बच जाएगी। फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि कंसेप्ट के जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और उससे वर्क परफॉर्म किया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सारी हीट के साथ वर्क परफॉर्म नहीं किया जाता, कुछ हीट हमारे पास सिंक के अंदर चली जाती है जो यूज़ नहीं होती, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी या वो एनर्जी हमारे पास होती है फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी हमारे पास दो किस्म की एनर्जी आ रही है, एक हमारे पास हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी जिसके अंदर हम जिसको हम बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ली जाएगी उसे हम बोलेंगे हेल्म्स होल्ड, और दूसरी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम, जब भी हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम लिया जाएगा तो हमारे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, यानी इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, जो इंथाल्पी के लिए यूज़ किया गया था। पहले पढ़ते हैं हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी हमारे पास क्या है। हेल्म होल्ड फ्री एनर्जी है ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी को, ई हमारे पास है इंटरनल एनर्जी माइनस टी एस, टी हमारे पास टेम्परेचर और एस हमारे पास इंट्रोपी आ जाती है। अब सपोज वी चेंज द कंडीशन, अब हम कंडीशन को चेंज करते हैं, सपोज करें हमने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया यानी कि ई वन से ई टू हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर हम हमेशा जब भी लेंगे कांस्टेंट ही लेंगे, जब हमने इंटरनल एनर्जी चेंज की तो उसकी इंट्रोपी भी चेंज हुई, इंट्रोपी एस वन से बढ़ के एस टू चली जाएगी यानी कि एक न्यू कंडीशन आ जाएगी। अगर ये दोनों चेंज हुई तो उससे इंटरनल यानी कि हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी ए भी चेंज होगा, ए भी ए वन से चला जाएगा ए टू के ऊपर, यानी हमारे पास सारी ही न्यू कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ए ई और एस ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, जिनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है, यानी अब ए के हमारे पास ए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू भी है, एनर्जी की भी इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यू हैं। एंट्रोपी एस वन से चेंज होकर एस टू पर आ गई, टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें आपस में तो ए टू माइनस ए वन, ई टू में से चेंज माइनस हो जाएगा ई वन और एस टू में से एस वन, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है हमारे पास। अब ए टू से इक्वल हो जाता है डेल्टा ए के, यानी कि चेंज इन एनर्जी फ्री एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टी डेल्टा एस, इसको हम इक्वेशन वन कहते हैं। अब यहीं से हम एंट्रोपी का फार्मूला अगर याद हो तो एंट्रोपी हमारे पास इक्वल थी क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट हम लेते हैं मोस्टली। तो डेल्टा एस हमारे पास है एंट्रोपी, जो कि वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं डेल्टा एस की जगह एंट्रोपी के फार्मूले में। और अगर हम याद करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वो हमारा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे डब्ल्यू मैक्सिमम यानी कि वर्क लिया गया। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज यानी कि अब डेल्टा ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम उसके अंदर, और डेल्टा एस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जब हम इन दोनों की वैल्यू को अंदर पुट करते हैं तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस टेम्परेचर, वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू आ जाएगा वो इक्वेशन हो जाएगी क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब ये हीट माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी इक्वल आ जाएगी माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम के। यहाँ पर हम इसको दूसरा कर सकते हैं कि ये अगर इस तरफ आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जब भी फ्री एनर्जी यानी कि हेल्म्स होल्ड फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो उससे हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, उससे हम मैक्सिमम वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के। गिब्स फ्री एनर्जी जो कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ली जा रही थी, गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जी से, वो इक्वल है एच यानी कि इंथाल्पी माइनस टी एस। अब क्योंकि जी
इंथालपी और इंट्रोपी, ये तीनों ही हमारे पास स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी। और हम ले रहे हैं ये कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर। आइसोथर्मल चेंज क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, तो उसकी इंथालपी एच वन से एच टू हो जाएगी, इंट्रोपी एस वन से बढ़ के एस टू चली जाएगी, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी भी फिर चेंज हो जाएगी, वह जी वन से जी टू पर चली जाएगी। सेम उसी तरह हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे आपस में, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे जी टू माइनस जी वन, एच टू माइनस ए वन, एस टू माइनस एस वन, यानी कि इनको हम डेल्टा जी, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी। इसमें भी एंट्रोपी का फार्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, यानी कि जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है एट आइसोथर्मल टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल चेंज के ऊपर जो ले रहे हैं हम, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। और अगर हम बात करें क्यू रिवर्सिबल, यानी कि टी इधर डिवाइड हो रहा है, अगर वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल आ जाएगा टी डेल्टा एस के। तो यही टी डेल्टा एस को अब हम क्या करेंगे, यानी कि क्यू रिवर्सिबल की हमारे पास वैल्यू आ गई, वो है हमारे पास टी डेल्टा एस। और हमें इंट्रोपी का फार्मूला भी याद है, डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि ये चेंज इन एनर्जी के लिए तो इसलिए सबके साथ डेल्टा लगा दिया गया, और एट कांस्टेंट प्रेशर लिया जा रहा है, तो इसलिए प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे इक्वेशन टू के अंदर, पहले डेल्टा एच के अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो इक्वल है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और यहाँ पे टी डेल्टा एस, और यहाँ पे डेल्टा एस यानी कि टी डेल्टा एस पूरी की हम वैल्यू पुट करेंगे, टी डेल्टा एस इक्वल है हमारे पास क्यू रिवर्सिबल के। तो अब इन दोनों की जब वैल्यू हम अंदर पुट कर देते हैं, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस क्यू रिवर्सिबल, तो अब ये प्लस क्या, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसको डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल, डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल होता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हीट किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, और यही हमारे पास वैल्यू दी गई है। अगर हम डेल्टा ई जो से ये क्यू इधर प्लस का तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का तो दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये यहाँ से प्लस से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और डब्ल्यू वर्क जो प्लस में है वो दूसरी तरफ अगर जाएगा तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा। अब इसकी जगह पे यानी कि डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। ये मैंने दोबारा ही क्वेश्चन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा वी, जो कि हमने इक्वेशन प्रूव की थी, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है अब डब्ल्यू मैक्सिमम की, यानी कि डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो आ जाता है डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल्टा वी, और अगर हम इसको नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगाया गया तो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द पी वी वर्क, जो हम पी वी वर्क यानी कि पी डेल्टा वी वर्क जो कर रहे हैं, अगर हम उसको इस सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द वर्क, अगर हम उसको वर्क में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क में से, पी डेल्टा वी जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो कर रहे हैं। पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि जिसको हमने वो जो उसने काम किया वो कौन सा किया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि उसका वॉल्यूम पहले के निस्बत इंक्रीज हो गया, और गिब्स फ्री एनर्जी उसकी पहले के निस्बत डिक्रीज हो गया, क्योंकि उसने एनर्जी को क्या किया, इवॉल्व किया अंदर से। और आगे इसी का टॉपिक है, एक वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अब टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास वेरी करेंगे दोनों एक ही वक्त में गिब्स फ्री एनर्जी के, हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैक्टर्स आएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास इक्वल थी जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी माइनस टी एस, जबकि इंथालपी हमारे पास इक्वल होता है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, यानी कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब एच की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ई प्लस पी वी माइनस टी एस। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो हम इसका डिफरेंशिएट लेते हैं,
डिफरेंशिएट लेने के, यानी कि स्मॉल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आगे प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क और इसी तरह एंट्रोपी के तक लेके जाएंगे। डिफरेंशिएट हम जब लेंगे तो डी जी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी। आगे अगर हम जो भी दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट हों पी और वी, तो उनके प्रोडक्ट का जब डिफरेंशिएट लेते हैं तो एक दफ़ा हम पहले को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, दूसरी दफ़ा दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। जैसा कि पहले में हमने वॉल्यूम को चेंज ले लिया, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, और दूसरे के अंदर प्रेशर को चेंज ले लिया और वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया। इसी तरह ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके लिए भी यही रूल किया जाएगा कि एक दफ़ा एक चीज़ को कांस्टेंट रखा जाएगा टी डी एस, और दूसरी दफ़ा टेम्परेचर को हमने वेरी कर लिया और एंट्रोपी को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ से हम फार्मूला मालूम करेंगे एंट्रोपी का। एंट्रोपी हमारे पास इक्वल थी स्मॉल चेंज इन क्यू, हीट जो अब्जॉर्ब हो रही थी, डिवाइडेड बाय टी। अब जो हीट है वो इक्वल है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगर थ्रू निकाला जाए तो इंटरनल एनर्जी थी क्यू माइनस पी डी वी, और अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली जाए तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे हमारे पास डी एस की वैल्यू आ गई, ये टी इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी डी एस की, जो कि अब हम इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे डी ई प्लस पी डी वी। ये हमारे पास टी डी एस की वैल्यू आ चुकी है डी ई प्लस पी डी वी। अब हम इसको इक्वेशन वन के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे टी डी एस की जगह पे, सेम इक्वेशन वही रहेगी, बस इसके अंदर चेंज आएगा, टी डी एस की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस डी ई माइनस पी डी वी। अब यहाँ पे डी ई एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का पी डी वी और ये माइनस का पी डी वी, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी वो होगी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक आ रहा है हमारे पास डी पी, यानी कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम उसके अंदर कांस्टेंट है, और दूसरे के अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट है, और डी टी यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ हम दो कंडीशन ले सकते हैं, एक हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करेंगे तो डी टी तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हम डी जी और जो होल ब्रैकेट के बाहर हमने टी लिखा हुआ, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही हो रहा है, तो इसी इक्वेशन के अंदर डी टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा, तो डी जी इक्वल आ जाएगा वी डी पी, और जो हमारे पास डी पी है जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो इक्वल आ जाएगा वी इज इक्वल टू डी जी आवर डी पी, जो कि किसके ऊपर हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कैसे, कि ये इक्वेशन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। दोबारा पढ़ लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। और इसी तरह अभी इस कंडीशन, यानी कि ये इक्वेशन के ऊपर हम अब कांस्टेंट प्रेशर वाली अप्लाई करते हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो डी पी ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर डी पी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये वाला फैक्टर सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास डी जी पी जो कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर थी वो आ जाएगी इक्वल माइनस एस डी टी। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ, इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। और एंट्रोपी में क्या हो रही है, नेगेटिव, यानी कि एंट्रोपी की आहिस्ता आहिस्ता कम होगी अगर ये फैक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन टू है, ये हमारे पास बहुत यूज़फुल होती है तब जब हमारे पास प्रेशर भी वेरी कर रहा हो, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा हो, और अगर इन दोनों में से एक कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये वाला सारा फैक्टर डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर, और ये वाला सारा फैक्टर डिपेंड करेगा एंट्रोपी के ऊपर। आगे हम एक और पढ़ते हैं, यानी कि वेरिएशन हम पढ़ेंगे अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि जिसके अंदर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देंगे, और इक्वेशन टू को ही यूज़ करके आगे, यानी कि ये वाला प्रोसीजर तो उसके लिए भी सेम ही सारा रहेगा, ये वाली इक्वेशन टू को लेके आगे वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर। हमारे पास चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन कौन सी है जिसके अंदर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, और वही इक्वेशन टू हमने ले ली डी जी, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू थी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर
स्मॉल चेंज इन प्रेशर माइनस एस हमारे पास क्या है एंट्रोपी और डी टी यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने आइसोथर्मल में रह रहे हैं यानी कि आइसो मीन सेम और थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर भी अगर हो रहा है तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो डी टी इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा तो डी जी इक्वल आ जाएगा वी डी पी के। और अगर हम सपोज भी चेंज प्रेशर और हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं पी वन से पी टू के ऊपर, क्योंकि प्रेशर तो वेरी कर रहा है इसके अंदर, अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करते हैं और ऊपर लिख देते हैं पी टू से पी वन, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई की हुई है कि कहाँ से चेंज हो रहा है पी टू से लेके वो पी वन तक, यानी कि पी वन से पी टू तक गया था ऊपर उसकी फाइनल कंडीशन नीचे उसकी इनिशियल कंडीशन लगा दी जाएगी और वो इक्वल आ जाएगा वी डी पी के। और अगर हम यही पे हम उसकी जनरल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर वॉल्यूम की जहाँ पे वैल्यू निकाली जाए तो वो आ जाएगी एन आर टी ओवर पी। अब वॉल्यूम की वैल्यू का हम इस इक्वेशन के अंदर वी की जगह पे पुट कर देंगे एन आर टी पी डी पी, क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल, अगर हम एक मोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो वन हो जाएगा, आर हमारे पास वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे ही इंटीग्रेट नहीं होते, हम उसको पहले ही बाहर निकालेंगे इक्वेशन से। तो डी पी ओवर पी ऊपर फाइनल कंडीशन पी नीचे इनिशियल कंडीशन पी वन, और अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर जो आता है वो आता है लॉग पी के इक्वल आता है, डी पी ओवर पी का साइन के साथ लॉग पी, और कंडीशन अभी भी उसके ऊपर अब लिमिट अप्लाई हो रही है पी टू से पी वन तक, यानी कि जो प्रेशर हमने चेंज किया था। और इसका जब हम लिमिट को जो से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो पहले आ जाती है फाइनल लॉग पी टू माइनस लॉग पी वन, यानी कि प्रेशर पी वन से जो पी टू तक लेके गए थे। और लॉग नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी दो चीज़ें आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही हों अगर उनके ऊपर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो वो दोनों आपस में डिवीजन में आ जाती हैं, तो डिवाइड हो जाएंगी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। अगर अब इसमें देखा जाए पी टू, अगर वो कह रहा है पी टू ग्रेटर देन है, अगर पी टू की यानी कि ऊपर वैल्यू ज़्यादा हो नीचे कम हो तो आंसर बड़ा आएगा, वो मल्टीप्लाई होकर तो डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में, और अगर ऐसा हो कि नीचे वैल्यू बढ़ी हो और ऊपर कम हो तो वो तो आंसर छोटा आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करके इसको किस में चेंज कर देगा नेगेटिव में, यानी कि अगर प्रेशर पी वन ग्रेटर देन है पी टू के तो वो हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। अब यही प्रेशर वाले फैक्टर को हम वॉल्यूम के अंदर चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन से, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, जो कि वी वन ओवर वी टू इक्वल आ जाएगा पी टू ओवर पी वन, यानी कि प्रेशर की जगह पे हम वॉल्यूम को पुट कर देंगे उसी के अंदर, और फिर ही उसी हिसाब से कि ऊपर वैल्यू अगर बढ़ी होगी तो हमारे पास डेल्टा जी जो होता है वो पॉजिटिव में आएगा, अगर नीचे बढ़ी होगी तो डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव में आएगा।